पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई की आज उनके घर तक पहुंच गई। पहले बाहुबली विधायक की पत्नी पर गैंगस्टर लगाया गया, फिर उनके दोनों बेटों पर इनाम घोषित कर दिया गया। अब गुरुवार को एक बार फिर मुख्तार अंसारी के नेटवर्क पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। इस बार हिस्ट्री शीटर राजेश उर्फ राजन सिंह पर कार्रवाई हुई है। उनकी 35,23,600 रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ली गई है। राजेश उर्फ राजन सिंह को मुख्तार अंसारी का काफी नजदीकी समझा जाता है और इनकी पहचान कोयला माफिया के तौर पर है। ये कार्रवाई मऊ पुलिस ने की है। पुलिस ने बताया है कि आरक्षी सतीश हत्या में सह अभियुक्त रहे त्रिदेव कंस्ट्रक्शन, त्रिदेव कोल डिपो, त्रिदेव ग्रुप के पूर्व मालिक कोयला माफिया राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह पुत्र राम वृक्ष सिंह निवासी अहिलाद जनपद मऊ की ये संपत्ति अपराध व अवैध रूप से अर्जित धन से बनाई गई थी। अब इसे जब्त कर लिया गया है। मऊ सीओ सिटी के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष सरायल खंसी कोतवाली व दक्षिण डोला के द्वारा ये जब्त कार्रवाई की गई है, जिसमें भूखंड को जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि साल 2009 में हुए मन्ना सिंह हत्याकांड में गवाह राम सिंह मौर्य व उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी आरक्षी सतीश की 2010 में ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना दक्षिण टोला में FIR दर्ज किया गया था। इस अभियोग में राजन सिंह मुख्तार अंसारी के साथ सह अभियुक्त था। इसके अलावा राजन सिंह के विरुद्ध कुल 8 अभियोग पंजीकृत हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 2 दशकों के दौरान राजन सिंह व उमेश सिंह के द्वारा मुख्तार अंसारी व गिरोह के मुख्य शरणदाता व आर्थिक मददगार के रूप में अति सक्रिय व अग्रणी भूमिका रही है। राजेश उर्फ राजन सिंह के भाई उमेश सिंह की अपराध व अवैध रूप से अर्जित लगभग 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति पूर्व में भी जब्त की जा चुकी है। इस तरह मुख्तार अंसारी गिरोह के माफियाओं व सहयोगियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के विगत 87 दिनों में कुल 20,65,20,000 की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। जो माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है, उसमें आज मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी गिरोह इंटरस्टेट गैंग 191 का अत्यंत नजदीकी और कोयला माफिया जो गैंग मेंबर है राजेश उर्फ राजन सिंह, इसकी 35,23,600 रुपए की अनुमानित मूल्य की संपत्ति आज 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि ये अपराधी जो राजन सिंह है, ये सन 2009 में इसके द्वारा जो मन्ना सिंह हत्याकांड हुआ था उसके 2 गवाह थे, राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी आरक्षी सतीश। इन दोनों के ऊपर इन्होंने फायरिंग किया था और उसमें जो गवाह है उनकी मृत्यु हुई थी। इस संबंध में मर्डर का मुकदमा दर्ज हो गया था और आगे चल के इस पूरे गिरोह के खिलाफ इसी मुकदमे के बाद गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। उसी पूरे गिरोह को और इंटरस्टेट गैंग 191 के सभी सदस्यों के खिलाफ जो गैंगस्टर एक्ट और 14 की कार्रवाई हमारी चल रही है, उसी क्रम में आज 917 अराजी संख्या में कुल 4 जगह पर 766 वर्ग मीटर भूखंड 14 के तहत कुर्क किया गया है। इसकी अनुमानित मूल्य जो है वो 35,23,600 रुपए है। इसमें उल्लेखनीय बात यह भी है कि आज जिस अपराधी का ये भूखंड कुर्क किया गया है उसी का भाई जो इस गैंग का पहले भी सदस्य है उमेश सिंह, इसकी भी पिछले कुछ दिनों पूर्व मऊ पुलिस ने 6.5 करोड़ की लगभग संपत्ति कुर्क की है। तो लगातार जो माफिया गिरोह है उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट तथा अन्य कार्रवाइयाँ और गैंगस्टर एक्ट के बाद 14 के तहत कुर्की करने की कार्रवाई लगातार जारी है। उसी के क्रम में आज ये कोयला माफिया और IS 191 गैंग का सदस्य राजन सिंह की 35 लाख की कुर्की की गई। ऐसी ही और बेखबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।